ऐसे बैठ के तुम पूरा वीडियो शूट कर सकते हो, लेकिन अगर बातों के साथ थोड़ा विजुअल्स ऐड हो जाए ना तो कंटेंट क्वालिटी रिचार्ज प्लान्स जैसा बढ़ जाता है। कोई भी तुम वीडियो शूट कर रहे हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, ट्यूटोरियल्स हो या फिर मोटिवेशन, बी रोल्स ना उसकी कंटेंट क्वालिटी को इंस्टेंटली इंप्रूव कर देता है। और बी रोल्स अगर थोड़ा भी क्रिएटिव हो ना, अब देखो बाहर शूट कर रहे हो तो थोड़ा आसान है क्योंकि बहुत सारा चीज़ है जिसे तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट अगर इनडोर घर के अंदर टॉकिंग हेड वीडियोस की बी रोल्स के लिए जो सबसे ज़्यादा तुम्हें चाहिए वो है घर, उसके बाद चाहिए दिमाग, क्योंकि दिमाग के अंदर तुम डालोगे तीन चीज़, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग एंड मूवमेंट्स। तो पहले तुम शॉर्ट सोच लो कि कैसा चाहिए। जैसे अगर तुम किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो तो वो आसान है, लेकिन अगर तुम बात कर रहे हो अबाउट सम एक्सपीरियंस और जनरल थिंग्स, जैसे तुम्हें काम करते करते चाय पीने की आदत है, जिसे दिखाने के लिए तुम इजीली शॉर्ट सिलेक्शन कर सकते हो। सपोज 3 शॉट्स, पहला तुम किसी डिवाइस के साथ प्लेस्ड हो, दूसरा तुम कप पे चाय डाल रहे हो, और तीसरा तुम काम करते करते उसे पी रहे हो। सिंपल, बस इन 3 शॉट्स को तुम्हें कंपोजिशन में लाना है। अब देखो कंपोजिशन रूल्स बहुत सारे हैं, भूल जाओ, अभी भूल जाओ, क्योंकि एक छोटा बी रोल के लिए तुम कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो स्टोरी, तो दिमाग में स्टोरी को मेनली रखो, स्टोरी के हिसाब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेस करो। तो सपोज फॉर द फर्स्ट शॉट एक मीडियम शॉट होगा जहाँ पे मैं और मोबाइल दोनों ही कन्वीनियंटली फ्रेम में दिखेगा। अभी एक मीडियम शॉट होगा और तुम लो एंगल हाई एंगल कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। शॉट की डेप्थ को और बढ़ाने के लिए तुम पीछे एक प्रैक्टिकल लाइट, कोई भी प्रैक्टिकल लाइट प्लेस कर सकते हो। अब क्योंकि पूरा स्टोरी एक ही सीन पे बेस्ड है तो जस्ट कैमरा एंगल को पूरा घुमा के मैं थर्ड शॉट प्लेस कर रहा हूँ, एक डिफरेंट कंपोजिशन। अब ये दोनों ही मीडियम शॉट है तो कॉन्ट्रास्ट के लिए जो सेकेंड वाला जो चाय कप पे डालने वाली शॉट, वो मैं बहुत टाइट एंगल जा रहा हूँ, बहुत क्लोज अप, बट कंपोजिशन में कॉन्ट्रास्ट के बाद भी बहुत फ्लैट लग रहा है ना शॉट्स। Now this is the most important part in cinematography. जैसे ये specific scene based है human subject पे, और जैसे मैंने अपने lighting videos में कहा है, जितना big और soft तुम्हारा light का source होगा उतना cinematic लगेगा subject। उसके साथ camera के एकदम front side पे नहीं, थोड़ा ऊपर on side से place करना, एकदम front angle में नहीं, तुम किसी भी साइड पे प्लेस कर सकते हो की लाइट, बट एक चीज़ ध्यान पे रखना, हमेशा कैमरा को ना शेडो साइड पे प्लेस करो। क्यों? ताकि डेप्थ और इंक्रीज हो जाए शॉट पे। जिसे और बनाने के लिए एकदम ऑपोजिट साइड से तुम एक रिम लाइट या फिर एज लाइट यूज कर सकते हो, जिसका काम यह है अलग करना। नहीं, रिलेशनशिप पे बेस्ट फ्रेंड की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से सेपरेट करने की बात कर रहा हूँ विथ रिम लाइट और एज लाइट। और प्रैक्टिकल लाइट तो है ही पहले से अपने औकात पे, और अगर अपने औकात से भी छोटी चीज को लाइट करना चाहते हो जैसे कि चाय की कप, तो सेम टेक्निक सॉफ्ट एंड बिग सोर्स, जितना पास हो सके सब्जेक्ट की ले जाओ लाइट और शेडो साइड पे शूट करो हमेशा। अब इसके साथ जो चीज चाहिए वो शायद देश को इससे भी ज्यादा जरूरत है अभी, अब कर रहे हो तुम वीडियो, मूवमेंट्स तो लाना है ही, कुर्सी पे थोड़ी बैठे हो, बहुत टाइप के मूवमेंट्स है, जैसे कैमरा मूवमेंट, प्रैक्टिकली कैमरा को मूव करना, कुछ एग्जांपल्स, स्लो डॉली इन और आउट, पैन और टिल्ट, ऑर्बिटिंग शॉट, फोरग्राउंड रिवील शॉट, उसके बाद कैमरा स्टिल बट सब्जेक्ट मूवमेंट हो सकता है। अब घर में तुम अकेले हो तो शूट करने के टाइम जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम कर सकते हो, कैमरा को ट्राइपॉड के ऊपर सेट करके तुम अपने आप मूवमेंट्स कर सकते हो, शरीर में मूवमेंट्स ला सकते हो, उसे स्लोमो में रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइटिंग को मूव करके, जैसे फ्लैश लाइट, टॉर्च, कोई भी लाइटिंग को मूव करके तुम डायनामिक मूवमेंट्स ला सकते हो शॉट पे। ये तो रहा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम कर सकते हो अगर घर पे तुम अकेले हो। वेल, पहला इंपॉर्टेंट चीज अगर घर पे अकेले हो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट ये सारे चीज़ को तुम मिक्स एंड मैच करके, एक्सपेरिमेंट करके ना बहुत सारे क्रिएटिव बी रोल्स बना सकते हो अपने टॉकिंग हेड्स के लिए, जो चाय पीने जैसा आसान है। अब सोचो इतने अच्छे फुटेजेस को एसडी कार्ड से ट्रांसफर करते टाइम या फिर एक्सपोर्ट करते टाइम, एडिट करते टाइम अचानक ऐसा कुछ हो गया, गया ना सारा डेटा। दैट्स व्हेन यू नीड अ मैजिक, मैजिक बाय वंडरशेयर्स रिकवरीड, थैंकफुली द स्पॉन्सर ऑफ द वीडियो, जिसकी मदद से तुम अपनी कोई भी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो, एंड इट रियली वर्क्स लाइक वंडर। मुझसे ऐसे कई बार हुआ कि कार्ड से ट्रांसफर करते टाइम या फिर एडिट करते टाइम या फिर एक्सपोर्ट करते टाइम सॉफ्टवेयर क्रैश होने की वजह से पूरा फाइल, प्रोजेक्ट फाइल गायब। देन आई डिड नॉट हैव एनी ऑप्शंस, बट तुम्हारे पास है,
जस्ट फॉलो द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और उस लिंक से जाओ रिकवर इट की पेज पे और उसे डाउनलोड करो। और इसे यूज करना इतना आसान है ना, जैसे सोचो मुझसे ये फाइल डिलीट हो गई गलती से या फिर SD कार्ड क्रैश हो गया। बस रिकवर इट ओपन करो, यहाँ पे सारा ड्राइव्स आ जाएंगे, या फोल्डर से लोकेट करो उस फोल्डर पे जहाँ पे वो फाइल था, या फिर अगर SD कार्ड का प्रॉब्लम हुआ तो एक्सटर्नल ड्राइव्स वाले सेक्शन पे से SD कार्ड को सिलेक्ट करो। बस अब थोड़ा वेट फॉर द मैजिक, देन जस्ट प्रेस द रिकवर बटन एंड सेट करो कौन सी लोकेशन पे तुम्हें फाइल सेव्ड चाहिए एंड योर फाइल इज रिकवर्ड लाइक मैजिक। तुम एंड्रॉइड फोन से भी डेटा रिकवर कर सकते हो एंड दे हैव ए फ्री वर्जन जहाँ पे तुम 100 MB तक कोई भी कभी भी डेटा रिकवर कर सकते हो। और बड़ा करना है तो यू कैन बाय इट। So follow the link in the description to see some wonders. जैसा wonders मुझे लगा था मेरा last trip mountains पे, video मैंने दिया है last week, देखा नहीं तो देख लेना, मजा आएगा। But always remember, B-rolls college degrees की तरह होता है, presentation improve कर सकता है but story नहीं।